नमस्ते डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, ऑप्टिकल रोटेशन ये जो फेनोमेनन है ये एक्चुअली में 1811 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1811 में, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। ओके, ये जो फेनोमेनन है ऑप्टिकल रोटेशन ये 1811 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, जिनका नेम था फ्रैंकोइस अरागा। ओके, फ्रैंकोइस अरागा ने क्या देखा कि जब एक प्लेन पोलराइज लाइट किसी भी एक ऐसे सबस्टांस जिनको हम ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस कहते हैं, जब उनसे वो पास करती है तो इंसिडेंट पोलराइज लाइट और इमर्जेंट पोलराइज लाइट इन दोनों के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होता, दोनों के बीच कुछ एंगल बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, उसे ही हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन को समझने का कोशिश करेंगे, और फिर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, इन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये कंसिडर इट एज अ सोर्स ऑफ लाइट। ओके, और ये सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकल रही है वो एक स्लिट के थ्रू इस पोलराइजर की तरफ आ रही है। ओके, और ये जो लाइट है ये अनपोलराइज लाइट है, और आपको पता है अनपोलराइज लाइट ऐसे लाइट होते हैं जो हर डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे होते हैं। ओके, अनपोलराइज लाइट ऐसे लाइट होते हैं जो हर डायरेक्शन की तरफ उनका डायरेक्शन होता है। ओके, सो दीज आर द अनपोलराइज लाइट। और ये क्या है, ये एक पोलराइजर है। क्या है? पोलराइजर। ओके, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक निकोल प्रिज्म है, क्योंकि निकोल प्रिज्म जो है पोलराइजर और एनालाइजर दोनों का काम करती है। तो ये क्या हो गया, एक पोलराइजर हो गया, और यहाँ से अनपोलराइज लाइट जो है इस पोलराइजर में एंटर करती है। ओके, अब जैसे ये अनपोलराइज लाइट इस पोलराइजर के यहाँ पर एंटर करेगी, क्या होगा? आपको पता है कि ये दो रिफ्रैक्टेड रेज में डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डबल रिफ्रैक्शन, है ना। एक रे कुछ इस प्रकार से इस डायरेक्शन में यहाँ पर आ जाएगी, और एक रे कुछ इस प्रकार से यहाँ सीधी निकल जाएगी ऐसे। ओके, तो एक रे जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ई रे कहते हैं, जो प्लेन ऑफ पेपर में ही होता है। ओके, ई रे। और एक होता है आपका ओ रे, जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ओके, तो निकोल प्रिज्म में क्या होता है कि जो हमारा ओ रे होता है ना वो एलिमिनेट हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से। ओके, बट जो हमारा ई रे होता है ये इस निकोल प्रिज्म के थ्रू बाहर निकलता है एज अ प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, कुछ इस प्रकार से एज अ प्लेन पोलराइज लाइट ये बाहर निकलता है, ठीक है। ये क्या है, ई रे। ये क्या है, ओ रे। ओके, यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप? क्या हुआ कि अनपोलराइज लाइट एक पोलराइजर अर्थात एक निकोल प्रिज्म पर कुछ इस प्रकार से फॉल किया। तो हमें पता है कि जब भी कोई एक अनपोलराइज लाइट जब कोई एक क्रिस्टल पर फॉल करती है तो वो दो रिफ्रैक्टेड रेज में डिवाइड हो जाती है। ओके, एक को हम लोग क्या कहते हैं, ओ रे, जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होती है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, ई रे, जो प्लेन ऑफ पेपर में ही होती है। ओके, तो जो ओ रे है वो तो निकोल प्रिज्म में एलिमिनेट हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से, और ई रे जो है ये सीधी इस पोलराइजर के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो क्या है, ई रे है, और ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड। ओके, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब अगर हम लोग इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करें, एक क्रिस्टल के थ्रू, एक ऐसे क्रिस्टल जिनको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल कहते हैं, अगर उसके थ्रू पास करवाएं, जस्ट इमेजिन कि ये कोई ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल है। ओके, क्या है ये, कोई ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल है सच लाइक क्वार्ट्ज। ओके, ये क्या है, कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है जैसे कि क्वार्ट्ज। ओके, जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू पास करवाते हैं तो होता क्या है कि ये जब ये बाहर निकलता है तो इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, मतलब जो इंसिडेंट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था उससे थोड़ा सा इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट हो जाता है। इंसिडेंटली इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कुछ इस प्रकार से था, लेकिन फिर जब ये क्वार्ट्स के थ्रू
पास हो गया, क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बाहर निकल गया, तो इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हल्का सा टिल्ट हो गया, ऐसे हो गया, है ना। तो इन दोनों के बीच कुछ एंगल बना। ओके, यहाँ ये जो फिनोमिनन हो रहा है, इसी फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, और ये जो सबिस्टेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि ऑप्टिकल रोटेशन को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, इस सबिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सबिस्टेंस। ओके, ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस। ओके, समझ पा रहे हैं आप, हो क्या रहा है यहाँ पर कि अनपोलराइज लाइट एक सोर्स एस से निकल रही है और ये निकोल प्रिज्म है, पोलराइजर इस पर आकर के फॉल कर रही है। ठीक है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू डबल रिफ्रैक्शन ये लाइट दो रिफ्रैक्टेड रेज में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही ये इस पॉइंट पर आएगी, ये दो रिफ्रैक्टेड रेज में डिवाइड हो जाएगी, एक रे ओ रे और एक रे ई रे, है ना। तो ये जो दो रेज हैं इनमें से जो ओ रे है ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाएगा और एक रे जो है ये बाहर निकल जाएगी एज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जस्ट कंसीडर इट एज अ इंसिडेंट लाइट। ओके, और जब हम लोग इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस से पास करवाएंगे तो क्या होगा, इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है इसका, है ना, ये ब्लू वाले का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, है ना। इंसिडेंट लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से सेम नहीं होगा इस इमर्जेंट लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। ओके ओके, सो ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, ये एक प्रकार का फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है कि जो पोलराइज्ड लाइट है इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो थोड़ा सा रोटेट हो जाता है। ओके, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है इंसिडेंट लाइट का वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इमर्जेंट लाइट से सेम नहीं होता है। ओके, तो ऑप्टिकल रोटेशन आप समझ रहे होंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनकी मदद से हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जिनकी मदद से ऑप्टिकल रोटेशन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, दे आर द ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं लेफ्ट हैंडेड और एक होते हैं राइट हैंडेड। ओके, इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है तो चलिए इसे भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टेंस, जिन्हें आप राइट हैंडेड सबस्टेंस भी कह सकते हो, एक को हम लोग कहते हैं लेवो रोटेटरी सबस्टेंस, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड सबस्टेंस भी कह सकते हैं। ओके, तो पहले आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टेंस के बारे में समझिए। देखिए होता क्या है कि जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस क्या करती है, वो जो इंसिडेंट लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसको थोड़ा सा रोटेट कर देती है ना। अब ये रोटेशन लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है, राइट की तरफ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस ले रहे हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेंगे तो राइट की तरफ रोटेट होगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, लेवो रोटेटरी लेंगे तो जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। ओके, सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टेंस, जैसे हम लोग राइट हैंडेड सबस्टेंस भी कहते हैं, उसको आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन टुवर्ड्स राइट, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंस होते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं ये ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट की तरफ अर्थात इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लेवो रोटेटरी सबस्टेंस की बात करो, है ना, जिनको हम लोग लेफ्ट हैंडेड सबस्टेंस भी कह रहे हैं, वो क्या करते हैं कि जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसको टुवर्ड्स लेफ्ट अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ रोटेट करती है। ओके, दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस क्या है, ऐसे सबस्टेंस है जिनकी मदद से हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं ऑप्टिकल रोटेशन को, जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, सुगर सॉल्यूशन हो गया। ओके, और ये ऑप्टिकली सबस्टेंस दो प्रकार के, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट हैंडेड सबस्टेंस, है ना, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन किधर रोटेट करेगा, राइट की तरफ। ओके, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दूसरा लेवो रोटेटरी सबस्टेंस, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड सबस्टेंस भी
कहते हैं। इस केस में जो हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करेगा, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आशा है आप ये समझ पाए होंगे कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, इस फिगर से आप समझ पाए होंगे। ओके, और एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आशा है आप ये समझ पाए होंगे ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है ना, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के क्या क्या टाइप्स हैं, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर सकें। ओके, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, जहाँ पर हम लोग बायोट्स लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन की चर्चा करेंगे।